तक अपने वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था कि बड़े यूट्यूबर्स ने मेरे थंबनेल पे क्या रिएक्शन दिया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें। दूसरी चीज, अगर ये चीज आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही है या फिर आपका नजर यहीं जा रहा है और किसी किसी को लगेगा यार क्या ये भसड़ लेके बैठ गया या फिर ये सारा चीज, जिसको जो फर्क पड़ता है पड़े, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम लोग से, ठीक है, कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ इसलिए, ठीक है। जिनको अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे, जिनको नहीं अच्छा लग रहा है उनको भी बहुत अच्छे, मेरी बात का बुरा लगा तो माफ करना भाई, मैं सीधा बोलता हूँ, जिसको बुरा लगता है लगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मंदिर से आया था लगा हुआ था, कैसे हटा था पागल के। दूसरी चीज कि कैसे आप अपना प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो, ठीक है, ऐसा थंबनेल जो कि आप व्लॉग चैनल पे बना लो, ठीक है, और एक अपने टेक चैनल पे बना लो, जिस कैटेगरी का आप चैनल है उस पे आप कैसे एक अच्छा थंबनेल बना लो, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ चीज कुछ बता दूं कि थंबनेल बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको हाँ ये चीज आना ही चाहिए, ये चीज होगा ही तभी बनेगा, ये होना चाहिए फलाना टिमकाना सदानंद देवानंद, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा चीज है, आपको कलर ग्रेडिंग आना चाहिए, कलर ग्रेडिंग मतलब आपको समझ आना चाहिए। अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो आप ये ना करो कि आप टेक्स्ट भी ब्लैक लिख दो, ये चीज बहुत लोग बोलेंगे तू क्या वाहियात बात बोल रहा है, लेकिन होता है होता है। अगर आप लाल बैकग्राउंड लिखते हो तो लाल आपका बैकग्राउंड रहता है तो लोग उस पर भी लाल लिख देते हैं, लाल में लाल लाल ललम ऐसे करके कर देते हैं। तो मैं पहले बता दूं, अगर आपको कलर ग्रेडिंग नहीं समझ आता है तो आप कलर ग्रेडिंग समझे पहले। कलर ग्रेडिंग का मतलब कि इस कलर पे कौन सा कलर मैच करेगा, मैच का मतलब अगर लाल है तो उस पर आप व्हाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, जो कि आंखों को आराम से नजर आ सके, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये, थंबनेल जितना सिंपल होगा जितना अच्छा, मतलब कि एक होता है ना अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि जो चीज जितनी सिंपल रहती है उतनी आपको अट्रैक्ट करती है, लोगों का आई का जो एक होता है ना आईसाइट ग्रैब करना, वो चीज होता है। तो ये चीज आप सीख सकते हो। और बहुत लोग बहुत चीज बातें करेंगे फलाना ये सब वो करो, कुछ नहीं है ऐसा, आप कुछ भी कर लो। YouTube पे यहां तक हुआ है कि थंबनेल के लिए पैसे भी दिए गए पर भी CTR डाउन ही रहा है, आप कुछ भी कर लो, CTR तभी बढ़ेगा जब YouTube चाहे, ये एकदम रियल बात है। आप इस पे चाहो तो आप जो करना है करो, पर मेरी यही चीज है, जब तक YouTube चाहेगा तभी आपका CTR हाई होगा और आपका थंबनेल जितना अट्रैक्टिव होगा, जब उस पर क्लिक आने होंगे वो आएंगे ही, जब आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा वो होगा। कैसे आप थंबनेल बनाते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, पकाओ लग रहा है तो जाके वीडियो देखो। चलो आ चुके हैं अपने पिक्सल लैब पे, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, और पिक्सल ऐप पे कैसे हम करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लेना है, जो कि इमेज साइज पे आप जो जो ऑप्शन है नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं, तो तीसरे वाले चौथे वाले पे आपको आकर के इमेज साइज पे जाना है और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल करके ओके कर लेना है, ठीक है, ओके करना है। तो इस तरह का आ गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, टेम्पलेट्स जो आपका मतलब कि जो थंबनेल का आपका बैकग्राउंड होता है वो हम कैसे बनाते हैं। तो आप कैसे बना पाओगे वो बड़ा आसान है, तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको चौथे वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आप इसे कलर में सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, आप ग्रेडियंट में कर सकते हो, ग्रेडियंट में आप अपना सेलेक्ट कर प्लस वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे ब्लू कर सकते हो, जैसे ये डार्किश ब्लू रहेगा, थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर से, आप इसे इस कलर पर रखो और ये वाला इसको आप ऐसे ऐसे करोगे सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, एंड इसको आप क्या हो तो वाइट रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इस तरह रहा, इस तरह, यहाँ से आप फेस सेलेक्ट कर सकते हो, किस फेस में रहना है इस तरह, और यहाँ पर से आप इसे इस तरह करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह करके आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर रखो, ठीक है। अब ये तो हमारा फेस सेलेक्ट हो गया, मैं आपको बस जस्ट बना के दिखा रहा हूँ, बना के बता रहा हूँ। तो ये वाइट है, थोड़ा सा हमें इसे ब्लैक कर लेते, थोड़ा सा हम इसे ब्लैक कर लेंगे थोड़ा सा, एंड देख सकते हो आप ये कलर बेस्ट है। अब इस पर हम जो YouTube का लोगो लगाते थे वो कैसे लगाएंगे, तो आपको सारा चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा, बढ़ाएं, ठीक है, ये थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, सब बहुत ज़्यादा। तो आप इसे इस तरह करके जो टेम्पलेट्स लगाते हैं आप यहाँ कॉपी कर सकते हो। तो पहले मैं इस पर ही कुछ अपना इफ़ेक्ट्स डाल लूँगा, जैसे कि मैं इसके जो स्ट्रोक हैं वो बढ़ा दूँगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर से मैं शेडो पर जा करके इसके शेडो को आप देख सकते हो इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। तो शेडो मैं वाइट पर अगर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इस तरह लगेगा, और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, इस तरीके से ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो कॉपी करना है और इसे मैं जस्ट इस तरह करके ये आप लॉक कर दो और इस पर क्लिक करोगे ये वापस चला जाएगा, आप देखो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम अल्ट्रा में जाके सेव टू गैलरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इस पर ब्लर वाला इफेक्ट देना है हमें। तो एक ऑटो ब्लर करके एक ऐप आता है, आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा देर प्रोसेस होगा और यहाँ पर इसे पोर्ट्रेट में करना, ये वाला ऑप्शन लेना और देखो ये इस तरह रहेगा,
तो आप इसे ब्लर कर सकते हो। ब्लर देना अपने हिसाब से, आप ब्लर रखना कि कितना आपको ब्लर रखना है। तो आप देखो मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसे मैं पैक करूँगा। और ये बेस्ट पे है, मीडियम पे, या फिर आप जैसे चाहो बेस्ट पे होगा तो आप बेस्ट पे करके कर सकते हो। ये आपका हो गया। तो अब हम चलेंगे फिर से अपने पिक्सल ऐप पे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम जाएंगे इसी पर, और यहाँ फॉर्म गैलरी जो आपको मिलता है चौथे ऑप्शन पे, फॉर्म गैलरी पे जाना है। और यहाँ पर आपको जो ब्लर किया हुआ ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पर से इस तरह कर लेना है। तो ये जो ऑप्शन था ये सारा मैं हटा दे रहा हूँ, इस तरह करके आप डिलीट कर सकते हो। देखो ब्लर वाला आ गया। अब यहाँ बनाएंगे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज़, इफेक्ट जो मनोज दे आजकल बना रहे हैं वो, तो वो कैसे आप बनाओगे, तो वो बेस्ट चीज़ है। और आप कैसे उस तरीके का थंबनेल आप बना पाओगे, ठीक है। तो आपको ये सारे इफेक्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। आप जाके पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हो, पिंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पिंटरेस्ट। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो आप जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हो, देखो ये सारा चीज़। तो अब हम इस पे काम करना है, ठीक है। तो हमें बनाना है कि थंबनेल थोड़ा बेस्ट लगे, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर से मैं ये बैकग्राउंड इरेजर भी ले लूँगा, डाउनलोड कर लेना बैकग्राउंड इरेजर। और यहाँ पर से मैं लोड फोटो करूँगा, ठीक है। और इस पे मैं कैसे काम करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑल पे जाना है, यहाँ पर ब्लैक हटा दूँगा मैं, ठीक है। ब्लैक हटा दूँगा और इसे मैं डन करूँगा, ठीक है। अब इसे मैं सेव करूँगा। अब देखो यहाँ काम कैसे होगा। अब पिक्सल लैब पे जाना है, ठीक है। इस तरह का इफेक्ट है, तो सबसे पहले तो मैं वो चीज़ यहाँ इनबिल्ट करूँगा, ठीक है। तो ये रहा इनबिल्ट, ये चीज़ इनबिल्ट करना है। तो आप इसे यहाँ से इसे बड़ा कर सकते हो, ठीक है। आप इसे बड़ा कर सकते हो इस तरह करके, ठीक है। आप चाहो तो इसे टेढ़ा भी कर सकते हो इस तरह कर, इसके बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब आता है कि आप इस पर क्या कर सकते हो, कि यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इसे बॉर्डर दूंगा, यहाँ पर ब्लैक पे जा करके बॉर्डर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका इफेक्ट दूंगा, यहाँ पर देखो ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ फॉन्ट ऐड करना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे मैं कुछ भी, जैसे 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। और यहाँ पर फॉन्ट पे जा करके जो मनोज दे यूज़ करते हैं पॉप इन ब्लैक, ये यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसे मैं इस तरह करके यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। अभी इसे ऐड कर सकते हो आप अपने हिसाब से, फॉन्ट ऐड करना मतलब कि थोड़ा देख के ऐड करना कि आपको थोड़ा बेस्ट लगे, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर अभी इसे थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ सब्सक्राइबर हटाता हूँ, ठीक है। और इसे मैं इस तरह करूँगा, इस तरह 1000, इस तरह यहाँ कर दूँगा 1000, ठीक है। तो इसको मैं रखूँगा पीले पर, पीले कलर पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सब्सक्राइबर, इसको नहीं, इसी को आप करके यहाँ कॉपी करना और इसी को लिखना आप सब्सक्राइबर, ठीक है। बाद में आप सब्सक्राइबर, ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से ऐड छोटा बड़ा कर सकते हो अब चाहो तो। देखो जैसे ये है, और मैं इसे यहाँ पर इस तरह करके कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ बी बड़ा रह गया, तो यहाँ पर ये करूँगा, आप इस तरह करके कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर से इसे आप चाहो तो इसे छोटा कर दो, ठीक है, इसे बड़ा कर दो इस तरह करके, और इसे चाहो तो इसे आप हरा कर दो, बेस्ट रहेगा। 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, ये हो गया। आप इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो कैसे पूरे करें। तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे करना, और यहाँ पर आप डाल सकते हो हिंदी में कैसे पूरा करें, ऐसा करके इस तरह करके आपको यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉन्ट यहाँ पर रिसेंट पे जा करके
कैसे पूरा करें। ठीक है, अब इसे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस तरह करके इसे इसी शेप इसी के अंदर रखूँगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ। आप कलर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जो चाहो वो सेलेक्ट कर दो, जो कलर चाहो। आप यहाँ सब्सक्राइबर तो चाहो तो आप यहाँ वाइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह करके। अब ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट अभी भी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे जो YouTube का लोगो था हमारा अपना, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, तो आप इसे इस तरह करके यहाँ ब्लैक करके रख सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट है। फिर कॉपी करोगे तो आप यहाँ पर से इसे करोगे। ठीक है, अब हमें इसे इसके हमें इसको इसके पीछे ले जाना। इसके पीछे कैसे ले जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और इसे जस्ट ऐसे नीचे करना, तो ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, देखो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि नहीं है, हमें यहाँ कुछ और इमोजी डालना चाहिए या फिर कुछ और ऐसे करना चाहिए, तो आप यहाँ पर से ये भी कर सकते हो, इमोजी भी डाल सकते हो। जैसे इमोजी आपको डालो, ठीक है, इस तरह करके आप अपना पिक्चर डालोगे। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूँ कि आप जैसे यहाँ पिक्चर डालोगे, जैसे ये थोड़ा सा पिक्चर में डाल रहा हूँ, इमोजी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, जब आप इमोजी डालोगे तो याद रखना दोनों सेम कलर में ना हो, इसी कारण आप इसे हरा कर देना और इस पर आप स्ट्रोक दे देना। बना सकते हो इस तरह करके, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें ये वाला थंबनेल, इस तरह बना सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। फिर ये जो लाइन बना हुआ है उसके अंदर भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। जैसे इस पर आपको क्लिक करना, पिक्चर जो भी, जैसे कि इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर से जाना टेक्सचर पे। टेक्सचर पे जाने के बाद आपको जो पिक्चर ऐड करना है वहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर से जैसे मैंने ये कर दिया, अब देखो ये आपको लग रहा था। अब इसे आप सेव कैसे करोगे, तो 3 डॉट पर जा करके एक्सपोर्ट पर जाना और कस्टम पर जाके अल्ट्रा पर कर देना। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। ये बेस्ट चीज़ है ये करने का। मैंने आपको जस्ट बना के दिखाया कि आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसी तरीके से बना सकते हो, थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हो, मेरे से भी अच्छा बना सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये है तरीका कि मनुष्य कैसे अपना थंबनेल बनाते हैं। और अगर आपको थंबनेल की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।